समाज के प्रहरी, पे बैक टू सोसाइटी, समाज के उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक, आर्थिक, मानसिक यानी टाइम, टैलेंट और ट्रेजर से खुद को तैयार करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग अद्भुत होते हैं, बुद्धिजीवी कहलाते हैं, गौरवशाली होते हैं और इतिहास के पन्नों में चढ़ जाते हैं। बाकी लोग तो जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। क्या आपको लगता है ये गुंजुट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें वैसा खुद योद्धा बनना पड़ेगा। जैसे कभी किसी ने कल्पना की थी जब कांशीराम साहब इस बात को कहते थे कि हमारा समाज नेतृत्व करेगा, हमारे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद में जाएंगे। हालांकि संसद में तो जाते रहे, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जब वो इस तरह की बात कहते तब भी लोगों को मजाक जैसा लगता था और आज वो सिद्ध करके दिखाया। तो हमें राइट वे में स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमको स्ट्रेटेजिक ढंग से काम करना पड़ेगा, हमें मिशनरी बनना पड़ेगा, सामाजिक बनना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति से मेरा लगभग मोह भंग हो चुका है, लेकिन मैं एक सामाजिक व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहता हूँ। हालांकि बिना राजनीति के कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर नीतियों का निर्धारण होता है वहाँ पर सांसद और विधायक बैठते हैं, यानी राजनीतिक लोग ही जाते हैं। तो इसलिए राजनीति के बगैर कोई भी हर चीज़ अधूरी है। वहाँ पर जब नीतियाँ बनेंगी विरोध करने वाला होगा। हालांकि कहने के लिए राजनीतिक आरक्षण हमारा पूरा है, हमारे पास 131 सांसद हैं लोकसभा में, हमारे पास जो स्टेट्स में जो असेंबली में जितने संख्या चाहिए परसेंट से उतना पूरे पूरे विधायक हैं। एक चीज़ और, बाबा साहब इस बात को बड़े अच्छे से कहे थे कि हमें निर्वाचक नहीं बनना है, हमें विधि निर्माता बनना है। निर्वाचक को विधि निर्माता हमेशा बेवकूफ बनाता रहेगा। अब इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमारे पास 131 सांसद हैं, यानी हमारे पास निर्वाचक मंडल है, लेकिन क्या वो विधि निर्माता है? नहीं है ना। तो अब वो बेवकूफ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यानी कि वो किसी पार्टी के प्रति उनका समर्पण है तो वो सही से जो उनको दायित्व तो, जो उनको कर्तव्य मिला था, जो उनको ड्यूटी मिली थी कि आपको संसद में जाना है, जिस वर्ग से आप चुन के आए हो उस वर्ग का नेतृत्व करना है आपको, उस वर्ग की समस्याओं को रखना है, लेकिन नहीं रख पाते, नहीं कह पाते। तो यही निर्वाचक मंडल है और इसीलिए विधि निर्माता बनने का हमें प्रयास करना चाहिए, न कि निर्वाचक मंडल।